क्यों और कैसे? इनसे मिलिए, ये है क्यों जीमल। बात बात पर पूछ लेते हैं, क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, इन्हें इसकी परवाह नहीं। और ये है उनके दोस्त, कैसे लिया, ये भी कोई कम नहीं है। अवसर पाते ही जनाब आपसे पूछ लेते हैं, कैसे कैसे कैसे। संयोग वश एक दिन गुरुजी की इन दोनों से मुलाकात हो गई। अब वे क्यों और कैसे के बीच किस प्रकार भटकते रहे, यह जानना हो तो देखिए क्यों जीमल। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी खुश रहो बेटा। कैसे लिया? गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी बाजार जा रहा हूँ। क्यों जीमल? बाजार क्यों क्यों क्यों? गुरुजी गेहूँ पिसवाना है इसलिए। कैसे लिया? बाजार कैसे कैसे कैसे। गुरुजी साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। क्यों जीमल? अच्छा गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? गुरुजी अरे आटा जो चाहिए। कैसे लिया? पिसवाना कैसे कैसे कैसे। गुरुजी चक्की में मेरे बच्चे। क्यों जीमल? आटा क्यों क्यों क्यों। गुरुजी क्या मतलब, रोटी नहीं बनाएंगे क्या? कैसे लिया? रोटी कैसे कैसे कैसे। गुरुजी अरे आटा को गूंधेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, बस। क्यों जीमल? गूंधेंगे क्यों क्यों क्यों। गुरुजी बेटा गूंधे आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बेली गई रोटी को पकाता है, इसलिए पहले आटा गूंधेंगे। कैसे लिया? गूंधेंगे कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात में आटा निकालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए गूंधना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से गूंध लेंगे, समझे? क्यों जीमल? परात में क्यों क्यों क्यों। कैसे लिया? कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्यों जीमल? बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों। कैसे लिया? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर रफू चक्कर हो चुके थे। इधर क्यों जीमल और कैसे लिया एक दूसरे के गले में बाहें डाले गुरुजी को दूर जाते हुए देखते रहे। अगले दिन क्यों जीमल और कैसे लिया की मुलाकात गुरुजी के परम प्रिय शिष्य रामपाल से हो गई। गुरुजी से उसने सारा हाल सुन लिया था। वैसे भी वह कई दिनों से क्यों जीमल और कैसे लिया की यह आदत छुड़वाना चाह रहा था। सारा गांव जो परेशान था उनसे। क्यों जीमल? नमस्ते रामपाल भैया। रामपाल नमस्ते नमस्ते। क्यों जीमल? भैया आपके हाथ में डंडा क्यों क्यों क्यों। रामपाल गुरुजी ने मंगवाया है। क्यों जीमल? मंगवाया है क्यों क्यों क्यों। रामपाल अरे कल गुरुजी को दो लड़कों ने उल्टे सीधे प्रश्न पूछ पूछ कर बेहाल कर दिया था। मुझसे कह रहे थे कि वे लड़के फिर मिले तो डंडे से उनकी पिटाई करूंगा। कैसे लिया? पिटाई कैसे कैसे कैसे। रामपाल ऐसे ऐसे ऐसे। और रामपाल ने डंडा लेकर दोनों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों जान बचाकर भागे। अब उनकी क्यों और कैसे पूछने की आदत छूटी या नहीं,